हेडी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पेशल सूजी का हलवा। वो भी हम जो पाउडर मिल्क और डेसिकेटेड नारियल डाल के बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और बड़ा डिलीशियस बनता है, और दूध के साथ बनाया है हमने। तो उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए बिल्कुल सिंपल है। जैसे देखिए, मैंने एक कप सूजी ली है ये वाली, तो आधा कप ही हम चीनी लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। एक कप में आधा कप चीनी, आधा कप हम लेंगे डेसिकेटेड नारियल, और आधा कप ही हम लेंगे मिल्क पाउडर। और देसी घी में बनाएंगे तो देसी घी वैसे तो आधा कप पड़ता है, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम लेंगे ढाई कप दूध और आधा कप पानी है इसमें मेरे पास। और हम थोड़ी सी दो इलायची हैं हरी, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, बादाम, काजू और किशमिश, यही है। बस ये आपको याद रखना, जो चीज़ आप लेंगे तो ये तीनों आधा आधा कप लेंगे, मिल्क पाउडर, नारियल और चीनी, और सूजी एक कप, और ढाई कप दूध, दूध और पानी मिला के ढाई कप देसी घी। तो अब हम सबसे पहले गैस चलाते हैं, फिर आपको पहले हम इसमें दूध में अपनी चीनी घोलेंगे। तो हमने पैन उस पर रख दिया आँच पर, तो इसको ऑन कर देते हैं। और पहले आधा कप हम पानी डालते हैं, और दो कप हम दूध डालेंगे। ये हमारे ढाई कप हो गया दूध और पानी। अब हम डालेंगे इसमें आधा, ये जो हमारे पास कप है, चीनी डाल देंगे। ये दो छोटी इलायची हैं तोड़ के रखी हुई है, वो भी डाल देंगे। और इसको उबाल लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारी चीनी घुल जाए। और एक तरह से चाशनी नहीं बोलेंगे, सिर्फ चीनी घोलेंगे। और इसको घोले तो हमें आपको उबाल आ गया, और चीनी भी घुल गई है, और हमारी इलायची का फ्लेवर भी आ गया, खुशबू आने लग गई। अब हम इसको उतार लेंगे, बस हमें जस्ट इतना ही ऐसे ही रखना है, चीनी घुल जाए। अब हम इसको एक कढ़ाई इसके ऊपर रखेंगे, इसमें अपनी सूजी भूलेंगे। गर्म हो चुकी है, हम इसमें दो बड़े चम्मच घी डालेंगे, देसी घी। वैसे तो इसमें आधा कप डालते हैं ट्रेडिशनली जो बनाया जाता है शाही हलवा, तो मैं कम ही डालूँगी, आप कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें जो एक कप सूजी है हमारे पास, वो डाल देंगे। और इसको धीमी आंच में, यानी कि मध्यम से लो पे इसको भूनिए। एक से दो मिनट पहले भूनते हैं। इसको लाल नहीं करना, बस इसका कच्चापन निकालेंगे, और ये सफ़ेद सफ़ेद ही रहे तो ज़्यादा बेहतर। अभी हम इसको दो से तीन मिनट लगातार भूनते हैं, फिर मैं 3 मिनट हो गए मैं भूनते हुए, अभी खुशबू आने लग गई है। हमने इसको लाल तो करना नहीं, वाइट ही रखेंगे। अब इसमें हम थोड़े से ये किशमिश, काजू और ये बादाम है, ये डाल देंगे। बाकी के हम गार्निश के लिए करेंगे। और ये हमारे पास जो डेसिकेटेड नारियल है, वो भी डाल देंगे। और ये मिल्क पाउडर है, ये भी डाल देंगे। इनको बिल्कुल आँच बिल्कुल धीमी रखेंगे इसमें, और इनको 1 मिनट भून लेते हैं। सारी चीज़ों को 1 मिनट भून लेते हैं, इनका कच्चापन निकल गया। फिर अब इसमें जो हमने दूध और चीनी घोली थी और इलायची के साथ, वो डालेंगे। हमें थोड़ा सा घी कम लगा था, तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया, यानी कि हमने टोटल 3 बड़े चम्मच घी इसमें डाल दिया। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे। 1 मिनट भून लिए, आधा मिनट और भूनते सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। अब नारियल की भी खुशबू आने लगी है। हमारे आँच हमने लो पे मीडियम रखी है, लो। ये देखिए हमारी भून गई है सूजी, और ये हमारा जो दूध वाला मिश्रण था चीनी, और वो हम डालें। देखिए हमने डाल दिया दूध भी, अब इसकी आंच कम कर देंगे, सिम पे कर देंगे इसको, और इसको ढक के
5 मिनट पकाते हैं, फिर हम हिलाएंगे इसको। फिर मैं आपको दिखाऊँ। 2 मिनट इसको ढक के दम दे दिए, यानी कि इसको ढक के पका लिए सिम पे। तो अब हम अपने ये हलवा देखते हैं कैसे बना है। हमारा देखिए अब बिल्कुल बनकर तैयार है। बस हम इतना ही रखना है, ज़्यादा टच नहीं करेंगे। हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर दिया। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, किशमिश और वो। ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिया, ये आप डालना चाहें तो बीच में हमने डाला हुआ था। ये बनकर तैयार है हमारा मिल्क पाउडर और देसी कचिंग नारी डाल के शाही हलवा बनकर तैयार है। आप बनाइए, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी अच्छी रेसिपी मैं आपको देती रहूँगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।